नोट्स कल्चर शून्य से शिखर तक। ना जो नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं वो है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस अगर वर्ड को देखें तो इसे दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है, मेटा एंड मॉर्फ्स। तो यहाँ पे मेटा का मतलब है डिफरेंट या एक से ज्यादा, और मॉर्फ का मतलब जो है वो मॉर्फ जो है वो मॉर्फोलॉजी से आया है, तो फॉर्म्स बोल सकते हैं या एक्सटर्नल फीचर्स बोल सकते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस बेसिकली क्या है, जब कोई ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट बर्थ से लेकर उसके एडल्ट बनते तक या मैच्योरिटी तक जो डिफरेंट फॉर्म्स के थ्रू चेंज करता है या जो चेंजेस उसमें आते हैं बर्थ से लेकर मैच्योरिटी तक या एडल्ट बनते तक, तो इन फॉर्म्स जो डिफरेंट फॉर्म्स के थ्रू वो गुजरता है हम उसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। या डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स से जितना रूपांतरण वो कर रहा है, जितने डिफरेंट फॉर्म्स हमको उस इंसेक्ट के लाइफ साइकिल में देखने के लिए मिल रहे हैं वो होगा उसका मेटामॉर्फोसिस। तो हम ये बोल सकते हैं मेटामॉर्फोसिस आर द चेंजेस बिटवीन अ बर्थ टू द मैच्योरिटी और एडल्ट स्टेजेस विच एन इंसेक्ट गोज इन इट्स लाइफ साइकिल। तो उसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल में जितने मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म से गुजरेगा वो इंसेक्ट वो उसका मेटामॉर्फोसिस होगा। तो इसके बेसिस पे टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस जो है वो चार टाइप के हैं, चार टाइप्स के मेटामॉर्फोसिस बताए गए हैं। जो फर्स्ट टाइप इसका है वो है अमेटाबोला। क्या इंसेक्ट्स को चार टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। जो इंसेक्ट होगा उसे अमेटाबोला जाएगा, मेटामॉर्फोसिस जो है वो अमेटामॉर्फोसिस। तो उस तरीके से तो अमेटाबोला कंडीशन जो होगी हम जिसे नाम समझ सकते हैं, ए का मतलब यहाँ पे है एब्सेंट और मेटाबोला का मतलब है मेटामॉर्फोसिस। तो जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता या उनमें बर्थ से लेकर मैच्योरिटी तक कोई भी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में चेंजेस नहीं हो रहे, मतलब बर्थ के समय इंसेक्ट जैसा दिख रहा है एडल्ट फॉर्म एडल्ट भी उसके जस्ट रिजेंबल कर रहा है, तब उस कंडीशन में उसको बोला जाएगा अमेटाबोला। तो अमेटाबोला का मतलब है नो मेटामॉर्फोसिस या फिर मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट। तो अमेटाबोलिस कंडीशन में हम अगर बर्थ से एडल्ट या एक्ट टू एडल्ट की बात करें तो यहाँ पे तीन स्टेजेस हमको दिखाई देंगी। इस कंडीशन में थ्री स्टेजेस देखने के लिए मिलेगी। पहला होगा एग, देन जुवेनाइल, थर्ड स्टेज इज एडल्ट। तो ये तीन स्टेज हमको देखने के लिए मिलेगी। तो जो जुवेनाइल है ये इसका इमेच्योर स्टेज है। जो जुवेनाइल होता है वो एज इट इज एडल्ट की तरह ही दिखता है, क्योंकि हम यहाँ पे बर्थ से लेकर एडल्ट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम एग को यहाँ पे भी नहीं ले रहे हैं। जुवेनाइल और जो एडल्ट है वो रिजेंबल करेंगे या ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेंगे। डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि जुवेनाइल एडल्ट से साइज में छोटा होगा और यहाँ पे जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे वो वेल डेवलप नहीं होंगे। तो जैसे जैसे जुवेनाइल से एडल्ट की तरफ बढ़ेगा इसमें जो साइज है वो इंक्रीज होगा, साथ ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो भी डेवलप होता जाएगा, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फिजियोलॉजी का पार्ट है। हम इसे मॉर्फोलॉजी और हम मेटामॉर्फोसिस को मॉर्फोलॉजिकल टर्म्स में देख रहे हैं, इसलिए जो जुवेनाइल है वो रिजेंबल करता है एडल्ट को। तो हम ये बोल सकते हैं कि जुवेनाइल रिजेंबल्स एडल्ट एक्सेप्ट in size and reproductive development। तो इसके अलावा बाकी दोनों सेम होंगे। नाउ जो सेकेंड टाइप है इसका, अच्छा इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें अमेटाबोलस कंडीशन का, तो इसका एग्जाम्पल है सिल्वर फिश या फिर लेपिज्मा जिसको बोलते हैं। तो ये अमेटाबोलस इंसेक्ट्स है या अर्टेरिगोड्स जो बेसिकली होते हैं विंगलेस इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर ये आता है, तो उनमें अमेटाबोलस कंडीशन जो है वो देखने के लिए मिलती है। जो नेक्स्ट सेकेंड टाइप है वो है हेमी मेटाबोला। यहाँ पे हेमी का मतलब है हाफ और मेटाबोला का मतलब है मेटामॉर्फोसिस। तो बेसिकली हेमी मेटाबोलस कंडीशन के अंदर इनकम्प्लीट या हाफ मेटामॉर्फोसिस देखने के लिए मिलती है। हेमी मेटाबोलस कंडीशन में भी अगर हम देखें तो हमें तीन स्टेजेस लाइफ साइकिल में देखने के लिए मिलेंगी, एग, नायड एंड एडल्ट। अब यहां पर ये जो नायड स्टेज है ये एडल्ट से एंटायरली डिफरेंट है। जो नायड होगा यहां पे वो एक्वेटिक होता है, जबकि जो एडल्ट होता है वो टेरेस्ट्रियल होता है।
बेसिकली ऐसे इंसेक्ट जिनके इमेच्योर स्टेजेस एक्वेटिक हो लेकिन एडल्ट टेरेस्ट्रियल हो या हवा में रहे, जो एक्वेटिक इमेच्योर स्टेजेस वाले स्टेजेस की ड्रैगन फ्लाई, डेमसल फ्लाई, मे फ्लाईज, बेसिकली दो ऑर्डर से एफिमेरोप्टेरा और ओडोनाटा। तो इन ऑर्डर के जो इंसेक्ट्स हैं उनके इमेच्योर स्टेजेस को नायड बोला जाता है क्योंकि ये इमेच्योर स्टेजेस एक्वेटिक होते हैं और जैसे ही एडल्ट बनते हैं इनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है और ये टेरेस्ट्रियल हो जाते हैं। तो ये हमें देखने के लिए मिलता है। तो इनमें हमें हेमी मेटाबोलस कंडीशन देखने के लिए मिलती है। एग्जाम्पल हम जो ले रहे हैं वो है ड्रैगन फ्लाई, डैमसल फ्लाई और मे फ्लाई। तो ड्रैगन फ्लाई और डैमसल फ्लाई जो है ये ओडोनाटा के मेंबर्स हैं, ओडोनाटा ऑर्डर के मेंबर हैं, जबकि जो मे फ्लाई है ये एफिमेरोप्टेरा को बिलोंग करता है। नाउ जो थर्ड टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस है उसे बोला जाता है पॉरो मेटाबोला। पॉरो मेटाबोलस कंडीशन जो है इसे हम बोल सकते हैं ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस या पॉरो मेटाबोलस कंडीशन के अंदर फिर से हमें तीन स्टेजेस लाइफ साइकिल में देखने के लिए मिलेंगी, एग, निम्फ एंड एडल्ट। तो ये भी जो है एक टाइप का इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है। यहाँ पे जो इमेच्योर स्टेज है उसका नाम है निम्फ। नाउ निम्फ और नायड में डिफरेंस क्या है? अगर हम नायड को देख रहे थे तो एक एक्वेटिक था और दूसरा एडल्ट जो था इसका टेरेस्ट्रियल था, तो दोनों में मॉर्फोलॉजिकली बहुत डिफरेंस होगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं एक्वेटिक होने के कारण इसकी मॉर्फोलॉजी कुछ और होगी और एडल्ट क्योंकि टेरेस्ट्रियल यहाँ पे मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होगी, लेकिन जो मेटामॉर्फोसिस का टाइप है वो इनकम्प्लीट ही है। सिमिलरली यहाँ पे अगर पोरो मेटाबोला में देखा जाए तो यहाँ पे जो निम्फ होता है ये एडल्ट को पूरी तरीके से रिजेंबल करता है। यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है वो है विंग डेवलपमेंट का। विंग जो है वो धीरे धीरे डेवलप होगा जब जब जैसे जैसे निम्फ आगे बढ़ेगा इन स्टार बाय स्टार एडल्ट की तरफ, और साथ ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी यहाँ पे वेल डेवलप नहीं होगा निम्फ के केस में, लेकिन जैसे जैसे एडल्ट बनेगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी वेल डेवलप होंगे। तो निम्फ जो होगा रिजेंबल्स एडल्ट एक्सेप्ट इन विंग डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। तो निम्फ में हमें विंग दिखाई नहीं देगा लेकिन एडल्ट में हमें विंग दिखाई देगा। जैसे जैसे ये इंस्टार बाय इंस्टार एक इंस्टार से दूसरे इंस्टार चेंज करते हुए या मोल्ड करते हुए आगे बढ़ेगा एडल्ट की तरफ, धीरे धीरे विंग का डेवलपमेंट भी होगा और इंटरनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी डेवलप होंगे। नाउ जो लास्ट और फोर्थ टाइप का मेटामॉर्फोसिस है उसे बोला जाता है होलो मेटाबोला। यहाँ पर होलो का मतलब है होल या फिर कंप्लीट हम बोल सकते हैं, मेटाबोला मतलब मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पे जो मेटामॉर्फोसिस है ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हमको देखने के लिए मिलेगा होलो मेटाबोलस कंडीशन में। साथ ही यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टेजेस होंगी वो फोर होंगी, चार स्टेजेस देखने के लिए मिलेगी लाइफ साइकिल में, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो ये चार स्टेज हमको देखने के लिए मिलेंगी। इमेच्योर स्टेज जो है यहाँ इसे लार्वा कहा जा रहा है। जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है होलो मेटाबोलस कंडीशन का वो है प्रेजेंस ऑफ प्यूपा। तो प्यूपा का प्रेजेंस जो है ये होलोमेटाबोलस इंसेक्ट जो होंगे उनका मेन फीचर या मेन कैरेक्टर है। अच्छा अगर पोरोमेटाबोलस कंडीशन में इसके एग्जांपल की बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली बग्स, कॉकरोच और ग्रास हॉपर जैसे जो इंसेक्ट्स हैं इनमें हमें पोरोमेटाबोलस कंडीशन या ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि हम देखते हैं कि जो कॉकरोच और ग्रास हॉपर्स होते हैं उनके जो इमेच्योर स्टेज होते हैं वो एज इट इज एडल्ट की तरह ही दिखाई देते हैं, बस साइज में छोटे होते हैं। होलो मेटाबोलस इंसेक्ट की अगर बात की जाए और इसके एग्जांपल्स को देखें तो इसके एग्जांपल हमें मिलेंगे लेपिडोप्टेरा। ऑर्डर वाइज हम देख रहे हैं लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, डिप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा। इन ऑर्डर्स में बेसिकली कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है वो देखने के लिए मिलता है। साथ ही प्यूपल स्टेज भी हमें देखने के लिए मिलती है। लेपिडोप्टेरा की बात करें तो बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स, कोलियोप्टेरा में बीटल्स एंड विविल्स, डिप्टेरा के अंदर हाउस फ्लाइज जैसे हम देखते हैं डिफरेंट फ्रूट फ्लाइज हाउस फ्लाइज हैं वो, और हाइमेनोप्टेरा के अंदर एंट, हनी बीज एंड वास्प।
तो इन सारे इंसेक्ट्स में एक इमेच्योर लार्वल स्टेज होती है और साथ ही एक प्यूपल स्टेज होती है जो कि रेस्टिंग कंडीशन होता है लार्वा से एडल्ट के ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। तो जब लार्वा जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है, उसके बीच में वो एक रेस्टिंग कंडीशन जाता है शॉर्ट टाइम के लिए जब उसका मेटामॉर्फोसिस होता है। तो ये रेस्टिंग स्टेज जो है ये इंपॉर्टेंस है होलोमेटाबोलस इंसेक्ट्स का। नो कल्चर के YouTube चैनल पर आपको सैकड़ों वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं एक अरेंज्ड फॉर्म पे सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी पूरे इंडिया से आए हुए बेस्ट फैकल्टी के, तो आपको सिंपल से स्टेप फॉलो करने हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको नोट्स कल्चर का ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करने हैं और उसके बाद जाना है आपको स्टोर सेक्शन में ऑल इन वन कोर्स में। यहां आपको 1000 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको हमारा ई नोट्स मिलेगा और बहुत सारे टेस्ट सीरीज, 250 से भी ज्यादा टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर देखने के मिलेंगे। ये कोर्स जो रहेंगे आपके एमएससी एंट्रेंस, JRF, REO, HO, सुपरवाइजर, SADO, ADO और जो भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, इन सबके लिए बहुत ही जबरदस्त कोर्स है। यहाँ पे 1000 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स आपके बहुत सारे एग्जाम्स के 90% से भी ज्यादा सिलेबस को पूरे कवर करते हैं। इसके आ जाने के बाद, स्टोर सेक्शन में आ जाने के बाद आपको कूपन कोड दिखेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आपको दिख जाएगा कूपन कोड Lucky 100 या कोई भी दूसरा कूपन कोड मिलेगा। ये कूपन कोड जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी जो मेन कोर्स की फीस है वो कंप्लीट ऑफ हो जाएगी और एक मिनिमम चार्ज जो हमारे साल भर के सर्विस सर्वर और ऐप रेंट की चार्ज है जो हम कंपनी को प्रोवाइड कराते हैं, सिर्फ आपको वो पे करनी पड़ेगी और ये पूरे वीडियो लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो अभी नोट्स कल्चर ऐप पे जाकर के आप ये कोर्स तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑफर है वो लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। ऑलरेडी 3200 से भी ज्यादा स्टूडेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब ये कहीं ज्यादा ये नंबर बढ़ गया हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।